वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाइयों, आज का ब्लॉग ना मैं काफ़ी लेट चालू कर रहा हूँ, 3 बज चुकी है, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट भी उठा था और बच्चे गए हुए थे पार्क। पार्क आने के बाद वो चले गए थे मंदिर, किरत आ गया था सो, और मैं गया था अपने डॉक्टर पे अपनी शुगर टेस्ट कराने, बस थोड़ी सी ज़्यादा आई है, बस उसका परहेज करना है। और दूसरा प्लस फिर मैं गया था माल लेने, माल लेके बस अभी आया हूँ। तो अब नेक्स्ट ब्लॉग चालू कर रहा हूँ और बच्चे हमारे कर रहे हैं अपनी पार्टी अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अब वो सो ही नहीं है, वो पार्टी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा और देखिए वो पार्टी कैसे कर रहे हैं। वो बड़े तेज़ हैं, नहीं तो सो जाते हैं इस टाइम पे। वो संडे को क्या करते हैं, जब भी आते हैं ना वो पार्क से आके सो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये देखो जी पार्टी चल रही है इनकी, खा भी ये ओरी कैंडी के बर्तन में कौन खा रहा है? ओरी कैंडी के बर्तन में नहीं, ये ओरी कैंडी के बर्तन में किसने खाया? तो देख लो, ओरी कैंडी का जो बर्तन है ना उसमें ये खाना खा रहे हैं। प्लेटें यहाँ से नहीं ली, ओरी कैंडी के बर्तन में खाना खाया इन्होंने। ये हाल है इनके लिए है, तो इनका तो चलता रहेगा। ये देखिए सामने वाला मकान अब टूट चुका है, ये बिल्कुल टूट गया है। बस सामने का मकान टूट रहा है ना, उससे बहुत मिट्टी उठती है, बहुत मिट्टी। तो चलो कोई बात नहीं, वो भी बन जाएगा, वो भी जल्दी बन जाएगा, बट टूटने में ज़्यादा मिट्टी उड़ती है। जब बनना चालू होता है तो सही हो जाता है। तो मैंने अब जाना है अपनी शेव करवाने, क्योंकि गर्मी भी हो रही है, जाने का दिल नहीं कर रहा। अब जाऊँगा अपनी शेव करवाऊँगा और खाएंगे अपनी रोटी, भूख भी लग रही है। तो चलो अब चलते हैं पहले शेव करवाने, पहले चलते हैं अपनी शेव कराने, फिर आके खाएँगे रोटी। तो भाइयों शेव कराने जा रहा था, शेव कराने तो मैं जा नहीं रहा अभी, अभी लग रही है भूख। तो आज ना रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा, बच्चे नीचे पार्टी कर रहे हैं, मम्मी पापा भी उन्होंने मना कर दिया खाने को, वो कुछ कहेंगे बाहर से, तो बाहर से ले आऊँगा कुछ खाने के लिए उनके। मैं और महक जा रहे हैं थोड़ा बाहर कुछ खाने, दिल कर रहा है चलो आज हम दोनों टाइम स्पेंड कर लें दोनों बैठ के अपना खा के। तो हम जा रहे हैं बाहर खाने, तो मम्मी पापा से बोलूँगा कुछ लाना है तो वो खा लेंगे, नहीं खाना हो तो बता देंगे। तो अभी चलते हैं हम नीचे अपनी बाइक पर, लगती है भूख तो खाएंगे चल के, देखते हैं अभी क्या खाएंगे हम वहाँ पे चल के। तो चलो भाई चले। तो भाई ये तो हो गया सीन, बाइक लेके गया हूँ मेरा वंश अपने खाने पीने का सामान लेने। मैंने अभी नीचे देखा ही था, बस बाइक ही नहीं हमारी, क्योंकि इनकी चल रही थी ना यहाँ पे पार्टी, और मेरे गया वो बाइक लेके। तो वो जब आएगा हम तब जाएंगे, तो चलो उसकी वेट करते हैं, वो आएगा तब जाएंगे हम। चलो भाइयों वंश आ गया अपनी पार्टी करने के लिए, पिज्ज़ा ले आया है वो, बस पिज्ज़ा खा रहे हैं। ये देखो लेने क्या कहते, देखो कैसे टूटे पड़े हैं ये, ये देखो बेटा तू वहां पे तभी नहीं रहता ना, है यहाँ भाग के आ जाता है, है? जब देखेगी ना तेरी माँ तेरे को बताएगी। तो भाई साहब ये घर में नहीं रुकता, वहां पे उत्तर नगर नहीं रुकता, ये रोज भाग के आ जाता है यहीं पे, रोज रोज आता है यहाँ पे। तो चलो अब हम चलते हैं अपना खाने, भूख लग रही है, चल भाई। नीचे पहुंच गया हूँ, उतर गया, लेकिन सारे सो रहे हैं। कुछ खाना है, कुछ खाना है, मार्केट जा रहा हूँ ला रहा हूँ। पापा कुछ खाना है, कुछ खाना है लाऊं? नहीं कुछ भी नहीं। और आपको? तो भाई मम्मी पापा ने तो कर दिया मना, तो अब हम चलते हैं अपना खुद मार्केट। तो मिलते हैं मार्केट में आपको, जहाँ पे जाएंगे खाने के लिए। चलो भाई मिलते हैं। तो भाई हम आए हैं पटेल नगर साउथ इंडियन पे अपना डोसा खाने, तो डोसा खाएंगे मैं और महक। तो हमने ऑर्डर दे दिया अपना, पुराना ऑर्डर आ रहा है, थोड़ी देर में आएगा। एक्टू क्या है, हमने ना अपने पापा का भी ऑर्डर दे दिया दाल वाले बड़े का, दाल वाले बड़े का, क्योंकि वो मम्मी पापा को पसंद है, वो भी लिया एक दाल वाला बड़ा, वो पैक करा लिया अपने, वो उनके लिए भी ले जाएंगे खाएंगे। तो भाई आ गया हमारा ऑर्डर, ये रहा सामान डोसा। तो भाइयों हमने खा तो लिया अपना डोसा वगैरह, बस अब चल रहे हैं अपने घर। एक्चुअली क्या है, वहाँ थी बड़ी गर्मी,
पंखे तो चल रहे थे लेकिन वहाँ थी बड़ी गर्मी। बस अब खा लिया डोसा और पापा का भी ले लिया हमने अपना सामान। बस चलते हैं, अब आपको मिलते हैं अपने घर पे। दिल्ली पहुँच गए हम अपने घर और अब वो सो रहे हैं, उनको उठाते हैं। ये लो पापा जो खाने के लिए बोलते थे, कटो सांभर वड़ा दाल वाला। चलो पापा दाल वाला सांभर वड़ा दे दी, मैं कटोरे वगैरह दे दी। बस अब खा के हम भी आए हैं अपने पास। हाँ वही खाया है। तो अब चलते हैं ऊपर, जो उनकी पार्टी चल रही है तो देखते हैं वो क्या उधम मचा रहे हैं ऊपर। चलो अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं इनको ये क्या कर रहे हैं। अब देखो जी इनकी यहाँ पे उधम चल रहा है। उस कमरे से शिफ्ट हो गए इस कमरे में हो गए। अब ये सारे इस कमरे में शिफ्ट हो गए। सुबह से दिमाग खराब कर रखा है इसने। भाभी तुम इसको भेजते क्यों हो? हैं? कंप्लेंट करो इसकी। वहाँ क्यों नहीं रखते इसको? मैंने क्या कहा? वहाँ पता है कि 5 बजे उठ के इसकी मम्मी कहती है कि घर में ढूंढना शुरू कर देता सब के बाद। तो चलो भाइयों अब ओरियन की पार्टी और हम भी बैठते हैं थोड़ा रेस्ट करते। तो वो तो अपने दूसरे कमरे में शिफ्ट होकर अपना फिर दोबारा वहीं छोटे कमरे में बैठ के अपना मूवी वगैरह देख रहे हैं फ़ोन वगैरह में। और मैं चलता हूँ, चलो अब शेव कराने चलता हूँ क्योंकि शाम भी हो गया काफ़ी, चुभ भी रही है, गर्मी हो रही है। तो चलो चलते हैं शेव करवाने। तो भाइयों शेव करा के आ गया हूँ मैं अपने। और ये देखो जी उनका टाइम हो गया पतंग उड़ाने का, महफिल इनकी हो गई है ख़त्म। दोस्त यार चले गए इनके सारे। और ये महाराज जी ये देखो ऊपर सो रहे हैं, कूलर उठा के ले आए ऊपर दादू का। ये देखो यहाँ ऊपर आराम से बिचार के सो रहे हैं क्योंकि सुबह से तो पार्क गए हुए हैं, सोए तो है नहीं। गंद फैलाते हैं सारा। अब ये सोएंगे, अब जब जागने का टाइम है ये सो रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं। तो भाइयों अब जा रहा हूँ मैं महक के साथ मार्केट क्योंकि उसने लेनी है सब्जी। तो कह रही है आज छुट्टी है तो चलो आप मेरे को सब्जी दिला लो। तो चलो इसको लेके जा रहा हूँ, ये सब्जी लेगी। तो भाई बहन लिए हम बाज़ार से आ गए हैं। ये लाइए टमाटर, टमाटर बहुत महंगे हैं भाई, 60 रुपये किलो। और ये देखो भाई साहब, ये देखो इसकी चप्पल छोटी आ गई ना, तो अब इसके पैर में भी चोट लग रही है। ये मेरे को उठा उठा के मार रहा है कि मेरे को चप्पल ला के दो। तो भाइयों मैं अब जा रहा हूँ मार्केट चप्पल चेंज कराने। जिसके कराने जा रहा हूँ वो नवाब साहब हमारे सामने 2 बार ही गिर चुके हैं आगे और रोने लग गए हैं। तो भाइयों साइज चेंज करा के ले आया हूँ, 1 नंबर से 2 नंबर। तो ये देखो जी ये भी अड़ रही है, कह रहा है हाथी का पैर कट लिया। 2 नंबर चप्पल आया साइज इसको, अब वो नई चप्पल अभी सही हो जाएगी। तो नखरे इसके इतने हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मैं तो ले आया हूँ बाजार से। अपन सब कुछ हो चुका है, बस सब कुछ इसकी चप्पल भी हो गई है चेंज वगैरह और वो भी उड़ गया है। बस अब अपना हो गया रोटी खाने का टाइम। तो ये खा रहे हैं, ये देखिए रोटी ठीक है जी। और महक दे रही है रोटी, मम्मी पापा को भी जा रही है। वंश कह रहा है अभी थोड़ी देर में खाऊंगा, वंश यहीं पे है। और हम मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में। तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट। देखो जी ये भी अड़ रही है, कह रहा है हाथी का पैर कट लिया। 2 नंबर चप्पल आया साइज इसको।